सो यार वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे मूवी सीन्स के बारे में जिन्हें देखकर तुम्हारा विश्वास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, लॉजिक इन सभी से हट जाएगा। और इस वीडियो को देखने से पहले एक डिस्क्लेमर, अगर तुम लोग साइंस वाले स्टूडेंट्स हो तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मत देखना। मगर क्यों? क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारा साइंस पर से विश्वास ही हट जाएगा। तो यार चलो स्टार्ट करते हैं। एक एक तुम्हें आमार सुंदर हृदयटाके की करेछो देखते चाओ? देखो ये सब क्या देखना पड़ रहा है? तुम्हें आरेक जोने साथे चुटिए प्रेम करेछो तखन ठीक एई भावे एकटी तीर एसे आमार हृदयके छिद्र करे देय। अरे यार दिल ही क्यों, किडनी, फेफड़ा सब कुछ निकाल के बाहर रख दो ना, हम तो पागल है, हमें तो ये सब कुछ नॉर्मल ही लगता है। और तुम लोग देख रहे हो इतने सारे तीर इसके दिल में से होके गुजर रहे हैं, जैसे कोई दिल ना हो गया, महाभारत का कुरुक्षेत्र हो गया। हमारी दवा बारी थी आमा के बेर कर दिल तक तो ठीक यही भावे एक बोमा विस्फोरित हुए पहले इस बंदे ने अपने दिल में से तीर गुजारा, फिर बुलेट, फिर बम फेंक के अपने दिल को ही उड़ा दिया। भाई साहब ये होता है असली प्यार। हमारे हीरो ने अपना प्यार दिखाने के लिए अपने दिल से तीर गुजारा, बुलेट गुजारी, यहाँ तक कि अपने दिल को ही बम से उड़ा दिया, पर ये तो अभी तक जिंदा है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो तेरी। एंड आज की सेकंड क्लिप में मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ प्लास्टिक सर्जरी करने का सही तरीका। और अगर तुम लोग सोचते हो कि प्लास्टिक सर्जरी करवाने के लिए हॉस्पिटल जाने की जरूरत है तो तुम लोग बिल्कुल ही गलत हो। इस प्रोसेस के लिए तुम्हें उस बंदे को जिसकी तुम्हें प्लास्टिक सर्जरी करवानी है उसे एम्बुलेंस से उठाकर खुलेआम रोड पे लेटा देना है। और तुम्हें वो मास्क जो कि तुम्हें मेले में 10-20 रुपए में मिल जाएगा उसे तुम्हें उस बंदे के चेहरे के ऊपर रख देना है। और उसके बाद अचानक एक जादू होगा और हो गया तुम्हारा प्लास्टिक सर्जरी सक्सेसफुल। अबे साले, तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि कैसे कुछ लोगों ने बायोलॉजी और लॉजिक दोनों को सूली पे चढ़ाया, और अब हम लोग देखने वाले हैं कि फिजिक्स की सरेआम हत्या कैसे हुई। ओके। तो इस क्लिप में हमारे संजू भाई सुपरमैन की तरह उड़ते हुए आते हैं और उसके बाद जितने भी विलन थे सभी की बुरी तरह पिटाई होती है और वो जमीन पे गिर जाते हैं। और उसके बाद जो भी हुआ मैं बता नहीं सकता, तुम खुद देख लो। तो ये था हमारे बॉलीवुड का सीन, और ये सीन देखकर हमारे टॉलीवुड वाले भी कहां शांत होने वाले हैं। टॉलीवुड वालों ने भी साबित कर दिया कि हम बॉलीवुड वालों से कम नहीं है, और इसीलिए टॉलीवुड वालों ने ये सीन बनाया। एंटी रामा राव, एंटी रामा राव, एंटी रामा राव, एंटी रामा राव। आप पैर को हिस्ट्री उंदे, नॉट डाउन, योर टाइम इज ओवर। अरगो मुंदु के सियाजी चच्चिपोतारु। देख लिया ना, इसीलिए मैं बोलता हूँ स्कूल क्यों इम्पोर्टेंट है। अबे कोई इन लोगों को समझाओ यार, हेलीकॉप्टर उड़ता है कार नहीं, जिस चीज को उड़ाना चाहिए वो आराम से जमीन पे खड़ा है और कारें उड़ रही हैं। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। और अब हम बात करने वाले हमारे अपने सल्लू भाई जिनके ड्राइविंग के चर्चे दूर दूर तक हैं, जो कि इतने बड़े हीरो हैं कि इनके पास विलन तो विलन, हिरन भी आने से पहले 100 बार सोचते हैं, जो कि पुरुष नहीं महापुरुष है, महापुरुष, महापुरुष। अबे सीधे सीधे बोलना कि तुम उस सलमान भाई की बात कर रहे हो जिन्होंने फुटपाथ पे सो रहे लोगों के ऊपर कार चढ़ा दिया था। अरे यार वीडियो के बीच में बोलना जरूरी था। हाँ सॉरी। बेचारा बूढ़ा आदमी, उसका खून बह रहा है और तुम एक्सीडेंट करके जा रही हो। चलो और बाबा से माफी मांगो। मैं से माफी मांगूंगी? ये लोग देखकर क्रॉस नहीं कर सकते? ये दो कौड़ी का आदमी और मैं से माफी, इम्पॉसिबल। ए, तुम इससे माफी भी मांगोगी और सामान भी उठाकर ठेले में रखोगी। जाने तो बेटा, मेरे लिए क्यों झगड़ा मोल रहे हो? बाबा, जब तक इन अमीरों के भेजे में घुसी हुई दौलत की गर्मी को नहीं निकाला जाएगा तब तक ही हम गरीबों पर गाड़ियां चढ़ाते ही जाएंगे। चल माफी मांग। तब तक हम गरीबों पर गाड़ियां चढ़ाते ही जाएंगे। क्या सोच है रे तेरी? तेरा देवा, देवा, देवा। इतने से जल्द मैं तो तेरे को हरा भी समझता था, तू तो राम निकला रे, देव मानुष निकला। अबे साले,
तो ये था हमारे पैरेलल वर्ल्ड का बेस्ट एग्जांपल। नो ऑफेंस टू सलमान भाई फैंस, क्योंकि वो भी मेरे वन ऑफ द फेवरेट एक्टर्स में से एक है। एंड ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे एंटरटेनमेंट के लिए था, और मैंने अपने चैनल के किसी भी वीडियो पे लाइक एम नहीं रखा है, जो कि मैं इस वीडियो पे रखने वाला हूं। तो अगर तुम लोग इस वीडियो पे 500 लाइक्स कर देते हो तो मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट जरूर लाऊंगा, जो कि इससे भी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। अब मेरा काम हो गया यहीं पे ओवर, और तुम्हारा काम होता है यहाँ पे स्टार्ट। तुम्हें बहुत अच्छे से पता तुम्हें क्या क्या करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक तुम मेरे पुराने वीडियो चेकआउट कर सकते हो। साले।